भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। अब हाल ही में इन तीनों ही सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थी दिवाली के मौके पर, जहां एक तरफ खेसारी लाल यादव की मैं सहरा बांध कर आऊंगा रिलीज हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की फिल्म रिलीज हुई थी पवन राजा, जो पवन सिंह की ही जीवनी पर आधारित है। अब इन दोनों के अलावा तीसरी ओर फिल्म रिलीज हुई थी दिनेश लाल यादव की काशी अमरनाथ, जो की बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी, और इसमें खेसारी लाल यादव के साथ थे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन। अब ये तीनों ही फिल्में भोजपुरी दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसे भी बटोर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के बीच की असली लड़ाई तो ये है कि इन तीनों ही फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है। जहां एक तरफ पवन सिंह की फिल्में हमेशा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करती हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्में भी अक्सर ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करती हैं। और खेसारी लाल यादव भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी जमकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को टक्कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर इन तीनों सुपरस्टार में से किस सुपरस्टार की फिल्म सबसे ज्यादा पैसे कमाने में कामयाब हो पाती है। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और भोजपुरी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पाइसी भोजपुरी।